हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको खासतौर पर महिलाओं के लिए कूल्हों को छोटा बनाने के व्यायाम और घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर भारतीय महिलाओं के लिए बड़े कूल्हे, बड़े हिप्स काफ़ी परेशानी का कारण बनते हैं। हमारे कूल्हे आनुवंशिक तौर पर बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम नवीनतम परिधान और स्टाइल का पालन नहीं कर पाते। अगर आपके कूल्हे भी काफ़ी बड़े हैं, बड़े हिप्स, जिसकी वजह से आपकी सुंदर काया भद्दी लगती है, तो यह समय इसे लेकर कुछ करने का है। कूल्हे की चर्बी कूल्हे की वसा जमा करने का शरीर का चुना हुआ भाग है, एवं इन्हें छोटा बनाने के लिए पहले आपको इस वसा को कम करना होगा। आप स्वस्थ खानपान से यह ज़रूर कर सकती हैं, पर इसके साथ व्यायाम करना भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको खूबसूरत बाल प्रदान करने के अलावा सेब का सिरका आपकी मांसपेशियों को भी काफ़ी सुडौल बनाता है। थोड़ा सा सेब का सिरका लेकर अपने नितंब कूल्हों पर 20 से 30 मिनट के लिए मालिश करें। आप एक चम्मच सेब के सिरके को किसी भी कैरियर तेल जैसे जैतून या नारियल के तेल के साथ मिलाकर इसके प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। एक बार जब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाए तो इस भाग को गर्म पानी से सेक करें। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर इसे धो लें। इस प्रक्रिया का पालन दिन में कम से कम 2 बार करके आप अपने कूल्हों को सुडोल बना सकते हैं, और इस दौरान आपको धैर्य अवश्य रखना है। इसके अलावा दोस्तों, कॉफ़ी में चर्बी घटाने के तथा रक्त का संचार बढ़ाने के गुण होते हैं, जो कूल्हे की मांसपेशियों को सुडोल बनाकर उन्हें छोटा करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। 2 चम्मच कॉफ़ी को 1 चम्मच ब्राउन शुगर तथा 1 चम्मच शहद के साथ मिश्रित करके एक स्क्रब बनाएं। इस स्क्रब का प्रयोग अपने नितंब कूल्हों पर करें। इससे 6 से 8 मिनट तक रगड़ें और 10 मिनट तक छोड़ने के बाद दोबारा इसे रगड़ें। एक बार इसके सूख जाने के बाद इसे पानी से धो लें। अच्छे परिणामों के लिए इस विधि का प्रयोग हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार करें। हाल ही में हुए एक शोध के मुताबिक तेज मिर्च आपके शरीर की चर्बी को गलाने में काफ़ी फायदेमंद होती है। अंततः अगर आप अतिरिक्त चर्बी कम करने और छोटे कूल्हे पाना चाहती हैं, तो आप रोज़ाना के भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च शामिल करें। इसके साथ ही अच्छे परिणामों के लिए कुछ व्यायामों का भी आप अवश्य उपयोग करें। समुद्री नमक कुछ खनिजों का मिश्रण है, तथा जब यह नारियल तेल के साथ मिश्रित होता है तो काफ़ी प्रभावी रूप से चर्बी को जलाने तथा मांसपेशियों को सुडोल बनाने का काम करता है। 1 चम्मच समुद्री नमक को 2 चम्मच नारियल तेल के साथ मिश्रित करें। इस मिश्रण की मालिश कूल्हों की त्वचा पर करें। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें तथा फिर गर्म पानी से में तौलिया डुबोकर सेक दें। इसे 10 मिनट तक इसी तरह रखें और फिर आप धो लें। तो दोस्तों, ये हमने आपको कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताए थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।